भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित पीएम वाणी योजना के अंतर्गत एम्स व पीडीओए ईडीपीएएल के संयुक्त तत्वावधान में भुगतान आधारित हाई स्पीड वाईफाई इंटरनेट सेवा का एम्स के निदेशक डॉक्टर प्रोफेसर सुरेखा किशोर ने शुभारंभ किया, जिसके संबंध में एम्स के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर सुरेखा किशोर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम वाणी योजना का दिसंबर 2020 में शुभारंभ किया था, जो कि गांव-गांव तक लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट सेवा उपलब्ध करवा रहा है, जिसका शुभारंभ एम्स में किया गया है, जिसका लोगों को बहुत लाभ मिलेगा और मरीजों को भी इसका लाभ मिलेगा जो कि एम्स में इलाज के लिए आते हैं। उनको लाइन लगाने से लेकर कैश काउंटर तक हर कार्य में काम आएगा, क्योंकि देश अब डिजिटल हो रहा है। हम लोग एम्स को भी पेपरलेस करना चाहते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पहले से शुरू है, काउंटर को भी कैशलेस कर दिया जाएगा। पीएम वाणी का सभी लोगों को उपयोग करना चाहिए और इसका लाभ लेना चाहिए। इस अवसर पर रामचंद्र, ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर नीरज श्रीवास्तव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एम्स के निदेशक डॉक्टर प्रोफेसर सुरेखा किशोर ने कहा, शामिल हो बिना किसी एक्सीडेंट के, ठीक है। तीसरा, कम से कम एक राइट पीडीओए को आप लोगों से मिलवाना, जो कि अनिल श्रीवास्तव है, ही इज डायरेक्टर ऑफ एक्सपर्ट वी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ही इज बेस्ड इन लखनऊ, बोली सहजनवा के रहने वाले हैं, सहजनवा बेस्ड इनका मतलब खलीलाबाद में इनका ऑफिस वगैरह है, ठीक है ना, तो वहां से है। तो आपको राइट पीडीओए को मिलाना भी हमारा काम था, जिससे कि जो पीडीओ बनना चाहते हो राइट पीडीओ से पीडीओ मिल सके। तीसरा, टू हैंड होल्ड एंड प्रमोट द टेलीकॉम स्टार्टअप दैट इज एक्सपर्ट विजन टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड, उसको प्रमोट करना और उसको आप लोगों के बीच में स्थापित करना, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से हम इनका परिचय करना, इसका मतलब आप लोगों के दिमाग में इनके प्रति एक ऑथेंटिसिटी चली गई कि नहीं ये राइट पर्सन है, इनसे कांटेक्ट करके हम वीडियो बन सकते हैं। इसी तरह से आप में से अगर कोई वीडियो या ऐप प्रोवाइडर बनेगा तो उसको भी हम मार्केट में एस्टेब्लिश होने में गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म देंगे, जिससे कि लोगों को सही वीडियो ऐप प्रोवाइडर की जानकारी भी मिल सके। उसके अलावा तो क्या था, तीन हो गया आप सभी का एम्स गोरखपुर के परिसर में स्वागत है। हमारे बीच हमारे डॉक्टर सुरेखा किशोर मैडम आ चुकी हैं और इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए हमारे डीडीए सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा। सर्वप्रथम आप सबका नमस्कार, अनिल श्रीवास्तव जी, अधिकारी रामचंद्र साहब ने आप सभी को इस सेवा के बारे में उसके लिए टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को लैक्स ऑफ लैक्स करोड़ पे करना, जैसे 5G का स्पेक्ट्रम हुआ है, स्पेक्ट्रम का कोई चार्ज नहीं है, स्पेक्ट्रम का कोई चार्ज नहीं देना, ठीक है ना, यहाँ 1.5 लाख करोड़ रुपया वो खर्च देंगे तब उनको इस स्पेक्ट्रम को उस फ्रीक्वेंसी बैंड में यूज करने में उसको पावर अथॉरिटी मिलेगी। यहाँ फ्री बैंड है, इसके थ्रू जो सिग्नल कस्टमर तक जाएगा उसके लिए कोई पैसा उस रेंजर का कोई कास्ट नहीं देना। तीसरा, आईएसपी डीएसपी कस्टमर से जो पैसा कलेक्ट करता है उस पर उसको एजीआर देना पड़ता है, टेलीकॉम कर देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। पीडीओ जो पैसा कलेक्ट करेगा कस्टमर से उस पर कोई टेलीकॉम कर या एजीआर नहीं देना है। इसके कारण से ये सेवा, ये इंटरनेट सेवा सस्ती होगी और अच्छी होगी। अच्छी क्यों होगी,
टेलीकॉम कंपनी तो कुछ कस्टमर के लिए नहीं बनाता, अपना वो देख करके लगाता है, कुछ कहीं कवरेज अच्छा होगा कहीं कवरेज अच्छा नहीं होगा, जैसे यहाँ कवरेज अच्छा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये तो कस्टमर के पास लगेगा, उसके 100 से 200 मीटर के नहीं लगेगा, इसीलिए इसका सिग्नल डिस्टेंस अच्छा होगा, ठीक है ना, सीमलेस होगा और डाटा स्पीड अच्छी होगी। दूसरा कुछ भी होगा तो उसका वीडियो जो है सर्विस प्रोवाइडर कस्टमर के घर के बगल में, वो ज्यादा आसानी से वो प्रॉब्लम अटेंड हो जाए, यानी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस भी क्विक होगा। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आज के दिन हम प्रधानमंत्री की इस योजना को जो उनके द्वारा विस्तारित की जाएगी और जा रही है पूरे देश में, और हमारा गोरखपुर और एम्स परिसर में भी ये योजना की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं जो कि पीएम वाणी के नाम से जानी जा रही है। और पीएम वाणी जैसे कि आपको पहले भी सारे वक्ता बता चुके हैं उसके बारे में कि पीएम इज प्रधानमंत्री और वाणी जो है वो है आपका वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। हम पहले इंटरफेस को एरिया सोच रहे थे आई से, तो हमने इनसे बात की तो मैं इंटरफेस है आई का मतलब। सो पीएम वाणी के तहत हम लोगों को ये सेवा प्रदान की जाएगी जो कि बहुत लो कॉस्ट है। इसका सबसे पहले आप सभी को सब जानते हैं कि बहुत ही कम समय में हम सब लोगों से जुड़ सकते हैं, इजी एक्सेसिबिलिटी है, सबके पास संचार हम कर सकते हैं, नेटवर्क कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है कम कॉस्ट में कर सकते हैं। और ये हमारे एम्स के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आने वाले समय में हम सारी चीज़ें डिजिटलाइज कर देंगे, जैसे कि हम कैशलेस काउंटर्स शुरू करने की प्रोसेस में हैं जिसमें मरीज को कहीं पैसे लेके घूमना नहीं है, उसको अपना कार्ड स्वाइप कराना है और वहीं से उसके सब चीज़ें हैं, उसको इधर उधर भागना भी नहीं है कि पहले बिल कराओ फिर उसको लैब में जाँच कराओ, तो सारी सुविधाएं आपके कार्ड के साथ बड़ी अच्छे सुचारू रूप से चलेगी। प्लस आपके सारी रिपोर्ट्स आपको सारी चीज़ें ऑनलाइन मिल जाएंगी और बहुत सारी चीज़ें इधर रजिस्ट्रेशन से लेके और भी फॉलोअप सर्विसेज सब चीज़ें आपको ये वाईफाई की सर्विसेज अच्छी होने की वजह से आपको मिलेगी। तो कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि एम्स का भी इसके साथ ग्रोथ होगा अगर हमारा पीएम वाणी के द्वारा ये कार्यक्रम के द्वारा और ये वाईफाई कनेक्शन के द्वारा हम लोग एक बहुत अच्छे रूप से प्रोग्रेस और कर सकते हैं और हम बहुत अच्छी तरीके से समाज में ये सेवाएं आपको प्रदान कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं, कर ही रहे हैं, लेकिन ये और आसान हो जाएगा अगर हमको ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी जिसका हम आज उद्घाटन कर रहे हैं। और आप सभी की प्रेजेंस में मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, हम सबसे पहले धन्यवाद करेंगे हमारे प्रधानमंत्री ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी जी का जिन्होंने इस सोच को आगे बढ़ाया, हमारे देश को डिजिटलाइजेशन और न्यूअर टेक्नोलॉजी से एक्सपोज कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात जो कहते हैं जैसे अभी हमारे रामचंद्र जी भी कह रहे थे कि उनका एक नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास और पीएम वाणी के द्वारा सबकी आवाज। एक तरह से अगर हम देखेंगे तो ये बिल्कुल बड़ा अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज वाला नारा है जो उन्होंने दिया और वो कर भी रहे हैं, और हमको ये जान करके भी बहुत खुशी होती है कि हमारा देश कंटिन्यूसली प्रोग्रेस के पथ पे अग्रसर हो रहा है। चूंकि हमारे जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं या बाहर के विदेशों में जितने भी टेक्नोलॉजी डिजिटलाइजेशन की वजह से जो प्रोग्रेस हो रही है वो कहीं ना कहीं इंडिया में भी अब आने से और इसको बहुत सुचारू रूप से आगे बढ़ाने से हमारा देश भी बिल्कुल प्रगतिशील हो रहा है, और इसके लिए हम अपने प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हेलो म्यूटेड है आप, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून डॉक्टर रुचिका, डॉक्टर नितिन, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून। हमारे साथ हमारे आईटी से उससे सेक्शन से जुड़े हमारे डायरेक्टर साहब हैं रामचंद्र जी, ये भी साथ में हैं हमारे, और हम लोग इसका एक
फॉर्मल उद्घाटन कर रहे हैं और हम आपको कनेक्ट कर रहे हैं हॉस्पिटल को एक तरह से। डॉक्टर निशा को आप देख सकते हैं वो ओटी में है मैडम और सर ओपीडी में है। हमारे यहाँ के डीएमएस डॉक्टर नितिन मराठे सर और डॉक्टर रुचिका अग्रवाल ईएनटी सर्जन है। एक जोरदार तालियां इन लोगों के लिए बजाएं। और एक चीज और सर, यहाँ जो इन्वेस्ट करना चाहता है वो भी कोई भी अलाउड है यहाँ पे। जैसे कि आप सब जानते हैं आज का ये जो कार्यक्रम था जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी की एक योजना है जिसके तहत वाईफाई की सर्विसेज जो हैं वो हर क्षेत्र में मुहैया कराई जा रही हैं और आज एम्स के कैंपस में ये कराई जा रही हैं। तो एम्स में जो हैं हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इसकी बहुत ज़्यादा सुविधा का लाभ मिलेगा और ख़ास करके हमारे उन पेशेंट्स को जो हॉस्पिटल में आते हैं उनको लाइन लगाने से लेके चाहे वो कैश काउंटर्स पे या फिर किसी तरह का भी जहाँ पे आपको वाईफाई, क्योंकि हम लोग आजकल के समय पे डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और हॉस्पिटल को भी हम जहाँ तक हो सके पेपरलेस करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हमारी शुरू है और इसके साथ साथ कैशलेस काउंटर्स भी आने वाले समय में कर देंगे और उसके साथ साथ और भी सुविधाएं हम इसके साथ मुहैया करा सकते हैं। तो हम हमको बहुत खुशी है कि हम जो समाज के लिए पेशेंट की सर्विसेज दे रहे हैं और पीएम वाणी से जो जुड़ करके हमारे साथ जैसे रामचंद्र जी जुड़े हुए, आइए ये डायरेक्टर साहब हैं और इनके साथ में मिल करके हम लोग जो है इस सर्विस को बढ़ावा देंगे और कहीं ना कहीं आप आगे के टाइम पे आप देखेंगे कि पेशेंट्स को इतनी सुविधा हो गई है जहाँ पे उसको रुकना पड़ता था, वेट करना पड़ता था या वेटिंग टाइम भी उसका ऑनलाइन अगर कहीं पे करते हैं जैसे इन्होंने बताया तो वो अपना काम करके भी अपना भेज सकता है। पेशेंट का वेटिंग टाइम, उसका खुद का जो काम करने का तरीका है वो भी उसका इम्प्रूव हो जाएगा और उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा कहीं पर भी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मरीजों के लिए भी सुविधा हो गई, क्राउडिंग आप ओवर क्राउडिंग आप हटा सकते हैं, इससे बीमारियों का संक्रमण और ये सब भी आप बचा सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है तो घर बैठ के वो रजिस्टर कर सकता है। तो एक तरह से समाज के लिए ये सबसे बेहतरीन सुविधा है स्पेशली पेशेंट्स के लिए और आने वाले समय में मुझे लगता है कि हम लोगों को इसकी सुविधा, इस सुविधा का इतना ज़्यादा लाभ मिलेगा और आगे एम्स के अलावा मेरे ख्याल में गोरखपुर के बाकी एरियाज में भी ये लोग इसको स्प्रेड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम प्रधानमंत्री जी, हमारे ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस नेटवर्क की स्थापना की जिसके द्वारा हम पेशेंट्स के साथ या फिर बाकी लोगों के साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी में रहेंगे, जो कि ईजी है, एक्सेसिबल है और अफोर्डेबल है, जिसमें बहुत कम पैसों में आप ये सर्विसेज ले सकते हैं। बहुत फास्ट सर्विस है और एक्सेसिबल है, सो दिस इज़ वेरी गुड। और यहाँ पे आप आइए, डॉक्टर अमित रंजन ये कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और हमारे अकाउंट ऑफिसर हैं, ये सब लोग मिल करके इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं और हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। और हमारे मीडियाकर्मी जो हैं ये इन लोगों के साथ भी हम बैठ के ये जो कार्यशाला इन्होंने सुनी तो इन्होंने भी ये गौर किया होगा कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ये जो पीएम वाणी का कार्यक्रम है डेफिनेटली देश को एक प्रगति के पथ पर अग्रसर कर रहा है और हम आशा करते हैं आने वाले समय में हमारा देश बिल्कुल डिजिटलाइजेशन की बुलंदियों पर पहुँचेगा।